हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग बढ़िया है ना, एकदम मस्त से आप लोगों की पढ़ाई चल रही है या फिर नहीं, आप लोग ये ज़रूर कमेंट करें। एंड आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को वॉइस वीडियो की क्वालिटी एंड आपको वॉइस कैसा आ रहा है। बट वॉइस जो है ना, थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस के बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर पूजा हो रहा है जिसमें साउंड बज रहा है, यानी कि बाजा बज रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी आ रही होगी बट उतना भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि माइक है। तो आप लोग सबसे पहले ये कमेंट करके बताएं कि आप लोग बढ़िया हैं या नहीं। आप लोग बढ़िया होंगे मेरे अनुसार, और आप लोग ये कमेंट करो। और मैं बहुत बढ़िया हूँ, ठीक है ना, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग भी बढ़िया से रहें एंड पढ़ाई करें। तो आइए इस सेक्शन में हम लोग शुरू क्या करने वाले हैं। तो इस सेक्शन में हम लोग शुरू करेंगे, लगभग 80 क्वेश्चन को देखेंगे, 80 क्वेश्चन को देखेंगे साइंस का, जो कि आपके आने वाले फाइनल बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, और लगभग यहां से अधिकतर प्रश्न आपके फाइनल पेपर में पूछा जाएगा। तो इस सेक्शन को शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे, जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर देंगे, एंड जितना भी ग्रुप है आप लोगों का उनमें शेयर करके आएँ, एंड वीडियो को भी आप लोग साथ में लाइक करते जाएं जितना हो सके। ठीक है, सभी लोग करेंगे एंड करिए। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मैं आप लोगों का नाम नहीं उड़ूंगा, एकदम नाम नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि हमें पढ़ाई से मतलब है, बस आप लोग कमेंट करते जाएँ। ठीक है जी, तो आइए सेक्शन को शुरू करते हैं। पहली क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में किस दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में माइनस होती है यानी कि ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। आप लोग कमेंट करते चलें एंड आंसर भी आप लोग मिलाएं। एंड अगली क्वेश्चन क्या है, तो अगली क्वेश्चन है, लेंस की फोकस दूरी को हम लोग एफ द्वारा दर्शाते हैं एंड वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर द्वारा दर्शाते हैं, तो इन दोनों में संबंध क्या होगा, क्या संबंध होगा। तो आप लोग नोट करेंगे, ये होगा एफ बराबर आर बटे टू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना जी, बिल्कुल इसी प्रकार से नोट करते चलेंगे। एंड तीन नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, मतलब कि किस माध्यम में अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हवा में होगा, जल में होगा, शीशा में होगा, या फिर हीरा में होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन ए आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, बिल्कुल होना चाहिए। एंड अगली क्वेश्चन को देखिए, चार नंबर है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी क्या होगी। सामान्य दृष्टि के लिए यानी सामान्य आँख के लिए अल्पतम दूरी लगभग कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 25 मीटर। क्या होगा जी, 25 मीटर बिल्कुल होना चाहिए आप लोगों का बी ऑप्शन। ठीक है, एंड पाँच नंबर है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण किसी प्रिज्म से जब गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो आप लोग देखें, ये एक प्रिज्म होता है, डायग्राम भी बना देते हैं, एंड सबसे कम कह रहा है कि इस प्रकार से बहुत सारा आता है प्रिज्म में और इधर टकरा करके मुड़ता है, सभी आपको पता है। तो सबसे नीचे का जो भाग है यानी कि ये जो भाग है, इस ये कौन सा प्रिज्म होगा। ठीक है ना, तो नोट करेंगे, ये होगा बैंगनी। क्या होगा जी, बैंगनी होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आप लोगों का पाँच का बिल्कुल होगा। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखिए, चार नंबर का मैंने आपको क्या बताया जी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, सभी सही है। एंड आइए छः नंबर क्वेश्चन आने वाला आपके पेपर में, निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि जो होता है, आपके आँख में बीमारी होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग किस लेंस का संशोधित करेंगे, यानी किस लेंस का उपयोग करेंगे। तो छः का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, आई मीन ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल लेंस। एंड अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे एंड जितना हो सके कमेंट करेंगे, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर। तो सात का ऑप्शन नंबर डी होगा, किस पर होगा, तो चालक की अल्पतम लंबाई पर होता है, चालक की लंबाई पर, एंड चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर, एंड चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट करेंगे, क्या ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। तो आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, एंड आप लोगों का बहुत दिनों से इंतजार है कि 10K2 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, सर जी केक कब खिला रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों के साथ में मिलकर केक काटूं, बट
इतना तो संभव है नहीं, आप लोग दूर हैं, आने में हर बच्चा से तो हम मिल नहीं सकते हैं, हर किसी से मिलना तो संभव है नहीं, बट हम लोग केक काटेंगे, आपको फ़ोटो मिल जाएगा, ठीक है। फ़ोटो के जरिए आप लोग महसूस करेंगे हमारी फैमिली को, ठीक है। किसके जरिए? फ़ोटो के जरिए, ठीक है, एकदम आप लोग फ़ोटो के जरिए हमें देख सकते हैं। और जल्द हम लोग केक काटेंगे, उसका लगभग संडे या मंडे को इंतज़ार आप लोग करें, संडे या फिर मंडे को हम लोग इसका जो 10K सब्सक्राइबर हमारा हुआ है उसका हम लोग केक काटने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को ही खिलाएंगे, आप लोग दूर हो बट आप लोगों को ही खिलाएंगे, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट है हमारे चैनल पे। तो और सपोर्ट करें जितना हो सके, आप लोग फैलाएं जितना हो सके, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए फ्री में मदद करें, PDF भी दे रहे हैं 100+, तो इतना तो आप लोगों का काम बनता ही है, ठीक है। तो आइए अगली क्वेश्चन है 8 नंबर, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? विद्युत शक्ति का तो बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर 1 वाट होगा। एंड देखिए अगली क्वेश्चन रहने वाला है 9 नंबर, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का क्या मान होता है, यानी कि एक यूनिट बराबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, 3.6 × 10⁻¹⁰, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल होगा करेक्ट। एंड अगली क्वेश्चन 10 नंबर आपके पेपर में रहने वाला है, और ये क्वेश्चन क्या है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो देखिए अगर हम लोग 10 का देखें सी ऑप्शन, तो विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर्श नहीं कटती है ना, चुंबकीय बल रेखाएं अगर एक ही आ रही है और ये चुंबक है और इसी पे एक चुंबक अगर गिरा दे तो ये कटती नहीं है, बल्कि टकरा करके ये क्या होती है, सबसे पहले थोड़ा सा इधर उठेगी, फिर इधर उठेगी, फिर इधर होकर सामने सामने आ जाती है, पता है आपको बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यम किसको संकेत करती है? तो बिल्कुल होना चाहिए 11 का ऑप्शन नंबर 1, चारक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा को, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आप लोगों का। एंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगली क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में छपेगा, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, चुंबक आप लोग देखे होंगे इस प्रकार से होता है, इसके बीच में एक छोटा सा होता है छेद, ठीक है, बिंदु होता है, तो इसके अंदर जो रेखाएं का क्षेत्र है वो क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करें तो ऑप्शन नंबर 12 का बिल्कुल होगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर रहती है, ठीक है जी, बिल्कुल होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। और आप लोग टेंशन ना लो, अगर आप लोग मिथुन स्टडी सेंटर से तैयारी करो ना, टेंशन ना लो, आप लोगों का जो भी सपना है ना पूरा होगा जी। हम जल्द क्रैश कोर्स तो हमारा चल ही रहा है, यही क्रैश कोर्स है, एंड टेस्ट भी हो रहा है, एंड आपको PDF भी बहुत जल्द मिलने वाला है, पेड ग्रुप में जो ज्वाइन ले लिए हैं उनको भी मिलेगा जी, एंड जो फ्री वाले बच्चे हैं उनको भी मिलेगा, हमारी तरफ से पूरा फ्री है, बस आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, जितना फ्रेंड उनमें शेयर आप लोग जरूर करें, ठीक है। एंड आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा तो टेलीग्राम पर वहाँ पर एड मेंबर का ऑप्शन देता है, टेस्ट आप लोग वहाँ पर देते हो ना, वहाँ पर जाकर के जितना फ्रेंड आपका पढ़ता है क्लास टेंथ में सबको आप लोग ऐड करते जाएं, बस इतना ही काम करें, तो मैं आपके लिए सब कुछ फ्री में ही दूंगा और देता भी हूँ, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। एंड न्यू ग्रुप अगर व्हाट्सएप पर क्रिएट हुआ है, अगर उसमें नहीं मिल पाया आप लोगों को, तो 500 बच्चा जैसे ही पुरता है आपको मिल जाएगा, टेंशन आप लोग ना लो, ठीक है जी। चलिए देखिए 13 नंबर है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो 13 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, यूरेनियम। एंड अगली क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? कली चूना का, तो 14 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ए होगा, Ca, ब्रैकेट में होगा ओपन इंटरवल OH2, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 होगा। एंड अगले क्वेश्चन आपके पेपर में छपने वाला है क्या? तो देखिए हाँ, यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में छपेगा, मुझ पर यकीन करो, बस इतना यकीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस निकलता है यानी मुक्त होता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, हाइड्रोजन, यानी कि H1 याद रखेंगे, यानी कि H+ भी कह सकते हैं, H+ भी ऑप्शन में आपको दे भी सकता है, इसलिए मैंने लिख दिया। एंड देखिए 16 नंबर पेपर में रहेगा, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या आता है? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 होगा, NaHCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, 17 नंबर आने वाला है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? शायद मैंने पिछले क्लास में भी, पीछे की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, कौन सा पदार्थ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो आपको मैंने बताया था, ये जो होती है ना, ये होती है अम्ल,
ठीक है। और लाल लिटमस पत्र, इसी का उल्टा चले, लाल लिटमस पत्र किस लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो नोट करेंगे क्षारक को। यहीं से दो क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, एकदम आएगा। एंड अगली क्वेश्चन है मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे क्या होगा जी, चलिए आप लोग कमेंट करेंगे 18 का क्या होना चाहिए मिल्क का। चलिए यहाँ पर मुझे भी नहीं पता है जी, मुझे पता है बस आप लोग कमेंट करें। तो चलिए कुछ होमवर्क तो रहना चाहिए, 18 नंबर आपका होमवर्क रह गया, ठीक है जी। अगर आपको पता है तो कमेंट करेंगे, और जिन बच्चों को नहीं पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में, कोई बच्चे हैं मतलब बहुत बच्चे करेंगे कमेंट, आप लोग जा करके देख लीजिएगा। ये नहीं कि अभी चैट करो तो चैट में नहीं करना है जी, बाद में आप लोग कमेंट, बाद में कमेंट बॉक्स खुला है वहाँ पर आप लोग कमेंट करेंगे, जिससे कि जो बच्चे को नहीं पता है वो देख कर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर मिला लेंगे, ठीक है। तो आप लोग 18 नंबर का कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एंड आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है, अधातु है लेकिन चमकीला होता है, कौन सा है, तो आपको भी पता है जी एकदम सल्फर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपने बताया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड 20 नंबर, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, ऐसा कौन सा धातु है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होगा, तो 20 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे, एन यानी कि निकोल, निकेल होगा जी, लिख देते हैं। अगर आपको इसका सूत्र नहीं पता है, संकेत नहीं पता है, तो निकेल आप लोग याद रखेंगे, निकेल का ही सूत्र होता है एन, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे जो 21 नंबर है, ऑक्सीजन के परमाणु व्याहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यानी कि ऑक्सीजन को हम लोग O2 द्वारा दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं, 21 नंबर का आप लोग बताएंगे जी, बिल्कुल लिखते हैं। तो व्याहतम कक्षा में क्या है, व्याहतम का मतलब क्या होता है, बाढ़, यानी कि O2 लगाए ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, ठीक है जी, बिल्कुल। एंड आइए अगली क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन, ठीक है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्याय, ठीक है ना, प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, तो आप लोग नोट करेंगे, ये जो होता है ना ब्यूटेन, ब्यूटोन का कार्बनिक यौगिक होता है जो, वो होता है कीटोन, ब्यूटोन से याद रखेंगे कीटोन, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 23 नंबर जो आपके पेपर में छपने वाला है ये क्वेश्चन रहेगा, नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होंगे, नाइट्रोजन के बीच परमाणुओं के कितने आबंध होंगे, तो 23 नंबर का अगर आप लोग बता रहे हो ना ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल होगा, एन ए, एन ए, तो इसमें देखिए क्या लगा है, एक लगता है, अगर नहीं है तो लगा हुआ एक ही होगा, यानी एक आबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। एंड अगली क्वेश्चन है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो 24 नंबर का आप लोग नोट करेंगे, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है ना क्या होता है जी, कमेंट करेंगे, चलिए बिल्कुल CnH2n, CnH2n, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन पे बताऊंगा कि कैसे आपको शॉर्ट में याद रखना है। एंड निश्चित रूप से तीन क्वेश्चन ही रहेगा, तीन ही रहता है जिसमें से एक क्वेश्चन आपके फाइनल पेपर में हर एक साल पूछा जाता है, ऐसा कोई भी वर्ष नहीं होगा। आप लोग 2009 से देख लो, 2009 से लेकर के 2022 तक पेपर में मिलाना, एक भी बार नहीं छूटा होगा एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, तो इस पर वीडियो जल्दी शॉर्ट आएगा, तो उसको देख करके आप लोग आसानी से याद रखोगे, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक पर। एंड अगली क्वेश्चन देखिए, किस 25 नंबर है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है, तो ये पिछली क्लास में भी हमने देखा था, तो ये क्या होगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 7 होता है जी, बिल्कुल। आइए अगली क्वेश्चन को देखिए, 26 नंबर जो रहने वाला है, समूह में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु, परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो 26 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, परमाणु साइज बढ़ता है, जब ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे जी, जब हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 है, कौन सा एंजाइम इमली, ठीक है ना, इमलिसिस, एमलिसिस क्लित भाषा का पाचन करता है, तो 27 का नोट करेंगे आप लोग, तो बिल्कुल होना चाहिए जी, एकदम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए पेशियन, पेशियन होगा जी, बिल्कुल। एंड अगली क्वेश्चन है, समान प्रकुलचन रक्त दाब होता है, आप लोग कमेंट करेंगे 28 का, समान प्रकुलचन दाब क्या होता है, यानी समान रक्त दाब कितना होना चाहिए मनुष्य में, तो नोट करेंगे आप लोग 28 का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा जी, 120 मैनीमीटर, आप लोग नोट कर सकते हो, यानी मैनीमीटर। एंड अगले क्वेश्चन 29 नंबर आपके पेपर में छपेगा, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन, बना भोजन जो होता है ना, भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भोजन होता है, तो नोट करेंगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो नोट करेंगे फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा।
एंड आइए जो स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, इस नंबर को आप लोग कॉन्टैक्ट करके रखें 6968895, इस पर यस सर करके कॉन्टैक्ट करें, आपको बहुत सारा PDF प्रोवाइड किया जाएगा फ्री में एंड उसको पढ़ करके अच्छा नंबर आप लोग लाइएगा, हमारे साथ जुड़े हमारी फैमिली बने, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें शेयर करें अपने फ्रेंड में जितना फ्रेंड, ठीक है। तो आइए अगली क्वेश्चन है, उस पौधा का नाम बताइए, उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा जी गुलाब, गुलाब को हम लोग गुलाब का एक टहनी को आप लोग काट करके एक पौधा है जैसे इसका एक टहनी काट लीजिए उसको लगाइएगा तो ये इसी को हम लोग कहते हैं कलम द्वारा, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। एंड 31 नंबर है, कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है, मतलब कालाजार बीमारी होता है या किस रोगजनक के कारण होता है जी। तो 31 नंबर का आप लोग नोट करेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा जी लेस, ठीक है ना, लेस्मानिया होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। एंड अगली क्वेश्चन 32 नंबर है, कमेंट करेंगे आप लोग निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, निम्न में से कौन द्विलिंगी पुष्प होगा। तो 32 का अगर आप लोग ऑप्शन नंबर बता रहे हो ना सी तो बिल्कुल होना चाहिए सही, पपीता, ठीक है जी, पपीता एक ही होता है। तो 33 नंबर आपके पेपर में छपेगा, मानव में घराग, ठीक है ना, घरान ग्राही स्थित होता है किस में, तो नोट करेंगे आप लोग 33 नंबर का तो बिल्कुल होगा जी नाकों में, जी नाकों में, ठीक है जी। अगली क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित किस में होती है जी, सभी को पता है, आपको भी पता है बट मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करेंगे जी। चलिए अनुमस्तिष्क यानी हमारे मस्तिष्क के द्वारा, ठीक है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, मुझे नहीं पता है, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है जी, एकदम मुझे नहीं पता है, मजाक कर रहा हूँ जी, आपको बताना है। चलिए 35 है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित किस में होता है जी। तो 35 का ऑप्शन नंबर आप लोग ये नोट करेंगे पीयूषम ग्रंथि जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए 36 है, अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो 36 का नोट करेंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेंडल ने। तो आइए कुछ इंजॉयमेंट भी होना चाहिए, ठीक है जी, बिल्कुल कुछ इंजॉयमेंट होना चाहिए तभी आप लोगों का मन भी लगेगा क्लास में। तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि आप लोग घर पर कितना घंटा मोबाइल यूज करते हैं, सब लोग कमेंट करेंगे जी, मोबाइल कितना घंटा आप लोग यूज करते हैं, ये नहीं कि पढ़ाई के लिए बस, जो फालतू काम रील्स देखने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए एंड आप लोग फेसबुक चलाने के लिए एंड क्या एंड साथ में आप लोग व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए उनके साथ, आप लोग समझ रहे हो ना, समझ रहे, व्हाट्सएप पे चैटिंग उनके साथ मतलब होता है, मैं खुल के ही बता दूँ यार, चैटिंग होता है जी, बहुत होता है, बहुत सारा होता है, अभी तो फ्रेंड है बहुत, आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो तो वहाँ से आप लोग नंबर ले लेते हो, मुझे पता है बट ये काम गलत है, बट आप लोग जरूर बताओ आप लोग चैटिंग करते हो या नहीं, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो चैटिंग करते हैं वही कमेंट करेंगे, कौन कौन ऐसे बच्चे हैं और कौन कौन नहीं करते हैं वो भी कमेंट करेंगे जी, ठीक है, थोड़ा सा इंजॉयमेंट होना चाहिए तभी आप लोगों को मज़ा आएगा एकदम, ठीक है, हंसी के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आइए मजाक हो गया, थोड़ा पढ़ने पर ध्यान दो, बताइए स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र कितना होता है जी, क्या होता है। तो स्त्रियों के लिए पूछा जाए तो स्त्रियों के लिए XX होता है, पुरुष के लिए पूछा जाए तो XY होता है, यानी स्त्री के लिए पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल होना चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए अगर XX मिल जाए तो किसका जन्म होता है जी, XX मिल जाए तो यहाँ पे आप लोग बॉय कह सकते हो, बॉय का मतलब क्या हो गया, लड़का हो गया। एंड अगर X एंड Y मिल जाए, X एंड ये Y है जी, Y, X एंड Y मिल जाए तो लड़की यानी कि गर्ल का जन्म होता है। तो अगर आप लोगों को एक बात नहीं पता ना, अगर आपके घर में बच्चे के समय यानी कि किसी को बेटा होता है तो अगर आप लोगों के माता पिता, अगर आपके पिताजी मम्मी को बोलते हैं कि सॉरी लड़कियाँ हो जाती है, बोलते हैं ना कि मतलब हो गया है लड़की नहीं होना चाहिए, गर्ल्स नहीं होना चाहिए, बेटा मुझे चाहिए था, बेटी नहीं चाहिए, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा पुरुष का गलती होता है क्योंकि पुरुष में XY पाया जाता है। अगर X एंड Y मिल जाए ना तो इसका मतलब Y का जन्म होगा। देखिए महिला में तो XX ही पाया जाता है ना, पुरुष में ही ना XY पाया जाता है। एंड आप लोग याद रखेंगे ये आपके जीवन में काम देगा, कभी आप लोग भी मैरिज करोगे, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। एंड अगर X मिले, X पुरुष का मिले एंड महिला का X मिले तो इससे गर्ल्स का जन्म होता है, सॉरी गर्ल्स का नहीं होगा जी, देखिए मैंने मिस्टेक आपको कर दिया, आपको बता दूँ, अगर महिला का पुरुष का अगर X मिले एंड महिला का X मिले तो इसका मतलब है कि बॉय का जन्म होगा। एंड अगर पुरुष का Y मिल जाए एंड महिला का X मिल जाए तो इसका मतलब आप लोग समझेंगे गर्ल्स का जन्म होगा, गर्ल्स मतलब क्या, लड़की का यानी बेटी का। तो अगर आप लोग भी जीवन में एक जिम्मेवार इंसान बनेंगे, आपको पता है अगर आप लोगों का, अभी तो मैं नहीं बता रहा हूँ शादी के बारे में, अगर मान लिया आपका शादी होगा तो अगर आपको बेटा पैदा हो रहा है ना तो आप लोग अपनी पत्नी को नहीं डांटने
लगना, ये नहीं करना कि तुमने कारण हुआ है। आप लोग अपने घर में अगर भाभी के साथ होता है तो आप लोग बता सकते हो किसी को भी, ठीक है, बताना कि पिताजी भैया जी आपका गलती है इसमें, ठीक है, भाभी का या फिर मम्मी का किसी का गलती नहीं, ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। जीवन के लिए मैं आपको सीख दे रहा हूँ, ये आपके जीवन में काम देगा आने वाली पीढ़ी में, ठीक है। कुछ दिन बाद आप लोग भी शादी करोगे, 5 साल बाद करो, 10 साल बाद करो, जब भी करो, कोई कहीं तो मुझे लगता है इसी साल ना कर ले, क्या पता कोई कोई कर भी लेता है, ठीक है। चलिए मजाक हो गया, एंड आई अगली क्वेश्चन को देखिए, एंड ऑप्शन मैंने आपको क्या बताया, 37 का क्या बताया जी, एक्स एक्स बताया, ठीक है ना, 37 का, चलिए बिल्कुल मैंने बताया। एंड आई अगली क्वेश्चन को देखते हैं, अगली क्वेश्चन क्या है जी, अगली क्वेश्चन को देखेंगे, देखिए अगली क्वेश्चन जो आने वाला आपके पेपर में, निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है, तो 38 का आप लोग बताएंगे, चलिए मैं बताता हूँ, ये होगा टिप्सू टेपर। एंड अगली क्वेश्चन, आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो 39 का आप लोग नोट करेंगे ना, ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, बिहार का। एंड अगली क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर रहेगा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रवर्धन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन होगा, कमेंट करेंगे आप लोग 40 का, एकदम कमेंट करेंगे जितना हो सके। तो देखिए मैं आपको बता दूं आंसर, अगर आपने डी बताया है तो बिल्कुल सही होना चाहिए, कम उपयोग होगा, पुनर्चक्रण होगा, एंड पुनः उपयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा जी। अगली क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो आप लोग यदि 41 का ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो तो बिल्कुल सही होगा, फैराडे ने, ठीक है जी। आइए अगली क्वेश्चन को देखिए, 42 है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित किस पर होता है, तो 42 का ऑप्शन नंबर सी होगा जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एंड अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 43 रहने वाला है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है जी, नवीकरणीय ऊर्जा का, तो बिल्कुल होगा सौर ऊर्जा होगा। अब अगली क्वेश्चन है 44, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा जी, जीवाश्मी ईंधन, ठीक है जी। अगली क्वेश्चन देखिए, 45 है, एक उत्तम ईंधन क्या है जी, एक उत्तम ईंधन, तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों का जैव गैस, ठीक है। तो मजाक हमने तो कर ही लिया, बहुत सारा मजाक, कैसे लिया आप लोग, हम आप लोग फास्ट करें एंड क्लास को पूरा वीडियो को देखें एंड कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, पूरा मजाक नहीं, मतलब मजाक नहीं, वो आपके जीवन के लिए आपके लाइफ के लिए वो था बात, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। अभी आपको नहीं पता, अभी आपको मजाक लग रहा होगा, क्योंकि टेंथ में पता है ना, टेंथ में मैं आपको बता दूँ, अभी टेंथ में आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको उतना नहीं पढ़ रहा, अगर आप लोग ट्वेल्थ में जैसे ही जाते हो एंड बायो पढ़ते हो ना, पूरा आप लोगों को एक्सप्लेन करके बायो का एक अलग से टीचर देगा, आपके शरीर में क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या उसका उपयोग है, सब आपको खुल करके पढ़ाएगा, और मैं भी पढ़ाऊंगा 12th लेवल का भी, मैं नेक्स्ट ईयर क्लास शुरू कर रहा हूं, तो आप लोग जरूर जुड़ सकते हो हमारे साथ 12th के लिए, ठीक है जी। 12th में जो लोग 11th में अभी है उन लोगों को बताएगा 12th का नेक्स्ट ईयर क्लास शुरू हो रहा है, तो उसमें हम लोग पढ़ाएंगे 12th का भी, तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों में बताइएगा और उसमें हम लोग पूरा खुल करके बताएंगे, ठीक है। तो अगली क्वेश्चन है, जस्ता तथा तनु इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो 46 का ऑप्शन है और आप लोग नोट करेंगे जी, बिल्कुल होगा CH2 होगा जी। एंड अगली क्वेश्चन है, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है, तो 47 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे, सी ए होगा, बिल्कुल बीबीआर क्वेश्चन है। एंड देखिए अगली क्वेश्चन 48 नंबर है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन होगी, अपघटन कौन होगी जी, रिएक्शन करके आप लोग देख सकते हैं, तो 48 का देखें, 48 का ऑप्शन नंबर सी देखें, तो 2KClO3 इसका रिएक्शन जब किया गया तो ये बन गया 2KCl, इतना तो बन ही गया, बचा किया L एक बच गया, यहाँ पर देखिए कहाँ तक आ गया, तो यहाँ तक लगभग आ गया, देखिए आपको बता दें लगभग यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आप लोग मिलाएं 2KCl, देखिए जी यहाँ से दिखाते हैं 2KCl यहाँ तक आ गया, बचा क्या यहाँ पर O3 बचा ना, तो यहाँ पर क्या किया गया, कुछ नहीं किया गया, ये जो 2 था ना 2 के बदले यहाँ पर 3 को उस प्रकार से प्लस में कर करके देखिए प्लस में कर दिया गया, एंड ये 2 को उठा करके यहाँ लाया गया, 2 को उठा करके सॉरी 3 को सबसे पहले यहाँ लाया गया 3 को, एंड O को जो था O को ऐसे लिख दिया, एंड 2 जो यहाँ था इस 2 को यहाँ लाया गया, बस ये रिएक्शन हुआ, इतना ही रिएक्शन है, बहुत सिंपल है, ठीक है, रिएक्शन आप लोग करके देख सकते हैं। एंड आई अगली क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन लवण है, तो 49 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे जी, बिल्कुल होगा सी, K2SO4। आप लोग रिएक्शन वाला अगर सवाल चाहते हैं पढ़ना, अगर आपको नहीं रिएक्शन करने के लिए आता है पेपर में, लगभग रिएक्शन से भी आपको आपके फाइनल पेपर में 10 नंबर तक प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव छोड़ करके सब्जेक्टिव में लगभग पूछा जाता है, तो रिएक्शन के लिए आप लोग कमेंट करें, अगर आप लोग चाहिए कहेंगे तो हम बना देंगे उस पर वीडियो पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है, समझा देंगे आपको।
तो चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, आशा है। एंड 50 नंबर देखिए, किस लाल टप्ट आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस यौगिक प्राप्त होगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे, Fe3O4। एंड अगली क्वेश्चन है, हमारे शरीर का pH मान कितने प्रयास के बीच कार्य करती है, यानी हमारे शरीर में pH मान कितना रहना चाहिए सामान्य, तब हमारा शरीर पूरा सही तरीके से काम करे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 7.0 से 7.8 के बीच। एंड अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, थोड़ी फास्ट करें क्या, चलिए थोड़ी सी फास्ट कर लेते हैं, लंबा क्लास नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, लंबा नहीं होना चाहिए। चलिए आप लोग कमेंट करेंगे, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। 52 है, शुद्ध सोने को व्यक्त किस में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपने यदि बी बताया तो बिल्कुल होगा 24 करेक्ट। एंड अगली क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, बच्चा वाला सवाल है यार, आप लोग कमेंट करो 53 का। चलिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्रोन, ठीक है ना जी, ब्रोमीन होगा। एंड 54 नंबर देखिए, शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, बिल्कुल होना चाहिए 54 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सोल्डर, ठीक है जी, सोल्डर। अब 55 नंबर का आप लोग कमेंट करें, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है जी, कमेंट करो सभी। चलिए बिल्कुल होगा C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। एंड अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे, 56 नंबर आने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, अगर आपको नहीं पता है सूत्र तो मैं आपको बता दूं, ये एरोमेटिक कार्बन जो है ना, यहाँ पर 56 का आप लोग नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H6, बिल्कुल होगा। आप देखिए अगली क्वेश्चन 57 का आप लोग कमेंट करेंगे, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंद होते हैं, हाइड्रोकार्बन के 3 आबंद क्या होंगे, तो 57 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, सी होगा, C3H4। एंड आइए अगली क्वेश्चन को देखिए आप लोग, एंड कमेंट करें, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, 58 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बल्ग कहा जाता है। आप उन सर का कमेंट करेंगे, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो 59 का ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, क्षारकीय धातु। एंड 60 नंबर प्रश्न आपके पेपर में छपेगा, आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या होगा, तो 7 का ऑप्शन नंबर आप लोग भी बताना, बिल्कुल होगा HE। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 61 नंबर, एंड बताएंगे, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्सर्जन कहलाता है। तो आइए अगली क्वेश्चन को देखिए, सीरियसली लेकर आप लोग पढ़ें, मेरी बात को सुने, ठीक है जी। अगली क्वेश्चन है 62 नंबर, कमेंट करेंगे, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है, तो 62 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि अपोहन। एंड अगली क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे 63 नंबर, जो आपके पेपर में छपने वाला है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो 63 का ऑप्शन नंबर ए होगा, लीवर। अगर आपका खराब हो जाए ना तो बचना नामुमकिन होता है, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, ठीक है जी। तो अगली क्वेश्चन 64 नंबर आने वाला है, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, घेंगा रोग किसे होता है या फिर ग्वाइटर रोग, आपको पता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में जो छपने वाला है 65 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो 65 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट करेंगे, हाइड्रा में बिल्कुल सही होगा। एंड अगली क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे 66 का, कोशिका झिल्ली आप लोग 10th में पढ़े होंगे, एट क्लास में अगर आप लोग सही से पढ़े होंगे साइंस, तो आपको पता होगा कोशिका झिल्ली के बारे में, वहाँ पर एक्सप्लेन करके कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ाया गया था। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 66 का नोट करेंगे, सी, ये होता है अर्धपराग में, ऑप्शन नंबर सी। एंड आप लोग नोट करेंगे अगली क्वेश्चन 67 नंबर आपके पेपर में छपेगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, तो 67 का ऑप्शन नंबर ए होगा जी, जॉनसन ने, बिल्कुल। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर यानी कि मादा एनोफेलेंसेंस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो 68 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए जी, गंदा जल में नहीं होना चाहिए। 68 का क्या होगा जी, मतलब कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो होता है ना, गंदा जल में नहीं होता है, ये होता है साफ जल में, ठीक है जी, साफ जल में, आप लोग नोट करके रखेंगे। एंड अगली क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है क्या,
69 नंबर जो रहने वाला है बिल्कुल। देखिए निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो 69 नंबर का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ये होगा, यानी कि सूखे घास पट्टे। अगली क्वेश्चन देखिए 70 नंबर है, हरे पौधे क्या कराते हैं, हरे पौधे क्या कराते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी शायद आपको बताया था, ये उपभोक्ता उत्पादक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्पादक, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही 70 नंबर का। एंड अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 71 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो 71 का ऑप्शन नंबर ए बी होगा, यानी कि काल्पनिक होता है। एंड अगली क्वेश्चन को आप लोग नोट करेंगे, अगली क्वेश्चन 72 है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में, तो 72 का ऑप्शन नंबर ए होगा जी, आफ्टर दर्पण में, आफ्टर दर्पण में नोट करेंगे, ठीक है जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप लोग कमेंट करते चले, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, हम आप लोगों को एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाएंगे, कोई टेंशन आप लोग ना लो, कोई बोरिंग नहीं होगा, ठीक है। आप देखिए थिएटर है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो थिएटर का ऑप्शन नंबर ए होगा, सीधा होता है, क्या होता है जी, सीधा। अगली क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करेंगे 74 का, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा, तो आप लोग 74 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे जी, 74 का ऑप्शन नंबर सी होगा, पक्षमामी द्वारा। अब अगली क्वेश्चन है 75, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, स्पेक्ट्रम में मैंने आपको ही बताया था थोड़ी देर पहले, इस प्रकार से रंग आता है सब, थोड़ा थोड़ा झुकता है, तो सबसे झुकाव जो होता है ना बैंगनी का होता है, सबसे कम पूछे तो लाल का, तो आप लोग नोट करेंगे, यहाँ पर पूछा गया हमने सबसे कम, तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे, यानी कि बैंगनी 75 का। एंड अगली क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका किसका उपयोग होगा, प्रिज्म का होगा, प्रिज्म होगा ना, प्रिज्म होगा, बिल्कुल होगा, प्रिज्म जो इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है, ठीक है, आपको आना चाहिए पेपर में भी, आपको ये प्रिज्म बनाने के लिए देगा, लगभग 2 नंबर के लिए देगा, कहेगा सिर्फ डायग्राम बनाए, अगर आपको नहीं आता है तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट में बस बताते चलें, जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है, जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करें, कमेंट हम पढ़ेंगे एंड आपका जरूर वीडियो आएगा, ठीक है, उसी पर, तो कमेंट करना ना भूलें आप लोग। चलिए 76 का हो गया जी, ऑप्शन नंबर क्या बताया मैंने, 76 का मैंने क्या बता दिया जी, बिल्कुल सही हुआ। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए, अगली है 77 नंबर, 100 वाट का विद्युत बल्ब जो 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो नोट करेंगे ये 77 का ऑप्शन नंबर बी होगा जी, 0.4 एम्पियर, बहुत सिंपल है, याद रखेंगे, सीधे यही क्वेश्चन पेपर में छपेगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं रहेगा, ऑप्शन भी आप लोग याद करके रखेंगे, ठीक है। अगली क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील करंट जो होता है ना क्या होगा, तो 78 का ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। एंड आई अगली क्वेश्चन को देखिए, अगली क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जैसे कि अभी आपने लगभग 77 नंबर क्वेश्चन में देखा, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त उपभोक्त शक्ति कितनी होनी चाहिए, तो नोट करेंगे, जब हम लोग 110 वोल्ट प्रोवाइड करेंगे ना, तो ये हो जाएगा लगभग 25 वाट का, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो आइए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, बैटरी से तो आपको पता रहना चाहिए, इससे दिष्ट धारा प्राप्त होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास में हमने लगभग 80 प्रश्न को देखा, ये सेक्शन यहीं पे हमारी समाप्त होगी, यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग जाने से पहले जो टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो चाहिए आपका, जो मन हो आप लोग बताइए, जिसमें आपको भी डाउट होगा कमेंट करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी आप लोग लाइक करें, शेयर आप लोग नहीं करते हैं, आपका जो न्यू फ्रेंड है जो कि क्लास 10 में पढ़ रहा है ना, बोर्ड एग्जाम फाइनल देने जा रहा है 2023 में, उनमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं इस वीडियो को, एंड उनको बोलिए अगर ग्रुप वो ज्वाइन लेना चाहता है तो उनको आप लोग इस नंबर को दे दीजिए, उनको बोलिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मैं उनको ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, एंड आपको फ्री में नोट्स भी दिया जाएगा, जल्द ही नोट्स आने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करके जाएँ, एंड हमारा 10K का फैमिली हो चुका है, जल्द ही हम लोग केक भी काटने वाले हैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द, तो हम चाहते हैं कि केक काटने से पहले अगर आप लोग 11 के यानी कि 11 के आप लोग करवा देते हैं ना तो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि लगभग एक सप्ताह के बाद हम लोग केक काटने वाले हैं, एक सप्ताह के बाद, तो उसके अंदर आप लोग चाहे तो बहुत आसानी से 11 के करवा सकते हैं, बस 1000 की बात ही है, तो आप लोग कराएंगे अगर मुझे अगर आशा है आप लोग करवा देंगे, जितना से आप लोग शेयर करें बस करवाइए, जल्दी करवाइए, तो 11 के हो जाता तो और भी अलग मोटिव रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, एंड में बाय बाय, आप लोग मन से पढ़ें, स्वस्थ रहें, अच्छी तरीके से पढ़ें, एंड वो काम ना करें चैटिंग वाला काम, ठीक है जी, चैटिंग वाला काम आप लोग ना करें, चैटिंग वाला काम आप लोग नहीं कीजिएगा। चलिए कौन कौन चैटिंग वाला काम करते हैं लास्ट में भी आप लोग बता के जाइएगा,
बताना कौन कौन चैटिंग करते हैं, कौन कौन ये लव के चक्कर में रहते हैं जी, कौन कौन लव के चक्कर में रहते हैं ये आप लोग कमेंट करके जाएंगे, कौन कौन रहते हैं, जो जो नहीं रहते हैं अच्छी बात है, और जो रहते हैं वो कमेंट करें, मैं उनको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।